बिहार राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। जिले के सभी जिलाध्यक्ष आए थे और जिसमें राज्य कार्यकारिणी की भी सारे राज्य के पदाधिकारी आए और हम लोगों ने तय किया कि बिहार में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हर ज़िले में हत्या की, लूट की, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में एक सशक्त आंदोलन आम आदमी पार्टी में बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ पूरे बिहार में चलाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर के और राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं को, साथियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। 1 जुलाई से पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये महसूस किया कि आज मासूम बेटियों की सुरक्षा पूरे देश में गंभीर चिंता का विषय बन गई है। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, मेरठ में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, मध्य प्रदेश के अंदर छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, हत्या कर दी गई। कल पटना आया तो पता चला पूर्वी चंपारण में 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये कैसी दरिंदगी की ओर समाज बढ़ रहा है और इन दरिंदों को सजा कब मिलेगी? क्या पीड़ित के माँ बाप सिर्फ न्यायालय के चक्कर काटते रहेंगे? कल कठुआ मामले में जो फैसला आया उसमें फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, एक 6 साल की बच्ची को ड्रग्स देके कई दिनों तक उसका बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और ऐसे मामले में भी न्यायालय सिर्फ उनको उम्र कैद दे रहा है। तो अभी कानून भी पास हो चुका है बच्चियों के मामले में बलात्कारियों को फांसी की सजा का, तो ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर निस्तारित करके आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।